सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ करेंगे, और इस बार घर में नहीं कर रहे हैं, होटल में ही करेंगे। और इस बार की पार्टी बहुत ग्रैंड वाली होने वाली है। हम लोग कभी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया, पिछली बार तो किए भी नहीं, तो इस बार हमने सोचा है जी कि इस बार हम अच्छे से करें। और पांचवा है, और फिर अगला एनिवर्सरी इसी तरह धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे जब हमारा शादी का 10वां साल हो जाए। माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जैसा सोचा जी, जैसा हमने सोचा है, भगवान वैसा ही सफल कर दे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हमारी एनिवर्सरी आ रही है और हमारी शादी की आने वाली है 5वीं सालगिरह, तो उसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं धूमधाम से तैयारी। तो फिलहाल जी आप अपने कपड़े लेकर के जा रही है कि कुछ कुछ अपना ब्लाउज सब भी सिलवाना है? जी हाँ, तो जी अपना कुछ कुछ कपड़ा सब लेकर के जाएगी, जिसको जिया को फिटिंग सब भी करवाना है, और क्रियांश भी साथ में चल रहा है, इसको घूमना है। तो आज क्रियांश के साथ लगता है कुछ प्रॉब्लम है, एकदम दिन से जो है थोड़ा बहुत रोते ही जा रहा है, एकदम चिड़चिड़ा जैसा हो गया है, तो बेचारे को लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल हम आए हुए हैं जी मार्केट एक सीसीटीवी के शॉप पर। जी हाँ, सीसीटीवी के शॉप पर आए हुए हैं, और हमें कुछ चाहिए था सीसीटीवी कैमरा। घर में जी सिक्योरिटी के इशू की वजह से जो है कोई भी घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। होता क्या है कि कभी किसी को जाना है तो मतलब घर में एक या दो सदस्य को रहना ही पड़ता है, क्योंकि घर में चोरी का खतरा रहता है। तो परेशान हो गए जी, कोई भी फंक्शन होता है, कहीं भी होता है, तो हमेशा किसी न किसी एक आदमी को रुकना पड़ता है, पूरी फैमिली एक साथ जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए सोचा कि घर में जो है पूरा कैमरा लगा देंगे, तो एकदम चप्पे चप्पे में लगा देना है। लगभग 10 से 12 कैमरा जो है हमारे घर में लगने वाला है। मैं एक भी एरिया नहीं छोड़ूंगा कि दूसरा कैमरा को अगर टेम्पर करने जाएगा तो इस कैमरे में वो आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं लगाऊंगा, चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी दिमाग लगा ले, सोचेगा कि एक जाके कैमरा को पहले डैमेज कर लेंगे तो दूसरे कैमरे में आ जाएगा। और मोशन सेंसर वाला लिया जा रहा है कि कैमरे के सामने में जो भी आएगा तो नोटिफिकेशन सीधा मुझको आ जाएगा। तो इस तरह करके मैं देख रहा हूँ, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रहा हूँ। तो चलते हैं फिलहाल यह शॉप, और यह शॉप है कटिहार में जो पानी टंकी चौक है वो ठीक उसी के पास में है, क्या नाम है, रेट टू रेट। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो यही शॉप है जी रेट टू रेट, जिसमें मैं आकर के अपना सीसीटीवी का सब कुछ ले रहा हूँ। तो सीसीटीवी तो ले लिया है जी हमने, और सारा यहाँ पर पैकिंग सब चल रहा है, और लगभग अच्छे खासे कैमरा का हमने सेट लिया हुआ है, और भैया ने जो है एकदम जेन्यून रेट लगाया। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था अपना सब कुछ, तो उनका प्राइस और इनके प्राइस में भी अंतर था जी, और ऑनलाइन से सस्ता ही मिल गया। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मेरे जैसा जो नौसिखिया आदमी है जिसको कुछ भी आइडिया नहीं था, उन्होंने पूरा सब कुछ समझाया कि क्या क्या कैसे चीज़ होता है। तो थैंक यू भैया, और लेकर के जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो अगर अच्छा फीडबैक रहा तो बहुत सारे लोग आएंगे इस वीडियो को देखने, लगभग लाखों लोग वीडियो देखेंगे। बिल्कुल, पहले यूज कीजिए। हाँ हाँ, फिर उसके बाद आप खुद फीडबैक अच्छा बताइएगा। यही रहा हमारा। हाँ हाँ, 10-12 साल से हमारा एक्सपीरियंस। अच्छा, 10-12 साल से आपका अनुभव इस कैमरे के बिजनेस में? ओके ओके, उससे हमको अच्छा फीडबैक मिला था तभी आए थे। बगल में अरुण मिष्ठान है, उनका दुकान है, उसी में आपका ही यूज हुआ था, और मेरा साला साहब जो है वो भी आया था यहाँ लेने, वो भी अच्छा फीडबैक दिया था, तो तभी आए। तो सोचे कि जो लोग है, बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है कि कहाँ से ले नहीं ले, बहुत सोच रहे होते हैं, और ऑनलाइन में फ्रॉड भी चल रहा होता है कई बार। यहाँ पर आपको जो चीज बोला जाएगा वही चीज दिया जाएगा। अच्छा, चलिए भैया, भरोसा रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हा। दुकान है जी, इनका नाम है रेट टू रेट, जो कि ठीक पानी टंकी चौक के पास एक हनुमान मंदिर है, और ठीक उसके सामने में है, तो आप लोग यहाँ करके ट्राई कर सकते हैं। One eternity later. तो क्रियांश को जो एक खेल सूझा हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं क्या करेगा। ये गदा ले लेगा। खेल अभी शुरू हुआ है इसका। गदा लेकर के क्या कर रहा था अभी? यहाँ पे चढ़ के फिर उसको चलेगा, फिर वहाँ से कूदेगा। तो सर जब कैमरा ऑन हुआ है तब तक चेक कर लिया जाएगा। स्टंट मारता है।
A few moments later. अभी बज रहे दोपहर के 2 और हमारा बेटा सो चुका है, खाना पीना सब कुछ खा लिया, हमने भी पूजा पाठ हो गया और ये टाइम है हमारा वीडियो शूट करने का। जब हमारा बेटा सोता है दोपहर में तो वो 2 घंटा सोता है, 2 घंटे के बीच में हम जल्दी जल्दी मैं अपना वीडियो निपटा लेती हूँ। और आप जो हमारा वीडियो देखते हैं ना इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी रील्स वगैरह देखते हैं वो इसी टाइम पे शूट होता है जब हमारा बेटा सोता है, और जिस दिन नहीं सोता उस दिन कुछ भी शूट नहीं हो पाता क्योंकि फैमिली है, फैमिली दिन भर काम रहता है। के बाद जब दोपहर में सारा काम खत्म होने के बाद जब हमारा बेटा सोता है तब हम ये काम करते हैं, और जिस दिन नहीं सोता उस दिन कुछ नहीं हो पाता। और एक ये भी कारण है कि हम लोग पूरा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, और एक्टिव नहीं रहिएगा आप तो फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पाइएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बच्चा स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो फिर थोड़ा हम ग्रो ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो फिर भी हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है। बच्चा भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर उतनी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्कूल भी खुल जाएगा। स्कूल तो अभी बच्चे का 2-3 घंटे में क्या होगा, नहीं होगा कुछ। तो फटाफट से जल्दी से रेडी होते हैं, और जो हम आज साड़ी पहनने वाले हैं ना वट सावित्री के 1 दिन पहले पहने थे, और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, तो साड़ी बहुत अच्छी है तो आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा कि हमने कहाँ से लिया। ये देख सकते हैं ये चुनरी प्रिंट की साड़ी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उस दिन हम वीडियो वगैरह नहीं बना पाए थे तो आज हम वीडियो बनाएंगे और आपको फुल लुक साड़ी दिखाएंगे। बहुत मस्त साड़ी है, उसे देख सकते हैं पूरा वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छी साड़ी है, तो पहनते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हम रेडी हो चुके हैं, रेडी होने के बाद सारा वीडियो सारा कंप्लीट हो चुका है और हमने पहनी है बहुत ही प्यारी सी साड़ी, ये देख सकते हैं। नहाई खाई के दिन हमने यही पहना था, आप में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे दीदी आपने ये साड़ी कहाँ से लिया था, ये हमने लिया ऑनलाइन पेज से। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो इंस्टा के प्रोफाइल पे हम डाल देंगे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसको भी चाहिए होगा परचेज करना होगा परचेज कर लीजिएगा। बाकी सही में बहुत सुंदर साड़ी है, और सारा वीडियो वगैरह कंप्लीट हो गया। इतनी तेज़ धूप है ना कि धूप में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, धूप में निकलना बहुत मुश्किल है, तो वीडियो बनाना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन ये हमारा काम है, काम तो करना पड़ता है सभी को। जैसे आप लोग अपने घर के लिए काम करते हैं वैसे ही हम भी अपने घर के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, तो काम है भाई, काम तो करना होगा। और सारा वीडियो ख़त्म हो गया, अब चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत धूप है, पूरा शरीर ऐसे नोच रहा है, जल रहा है कि पता नहीं इतनी तेज़ धूप में, तो चलते हैं नीचे देखते हैं, किरांस भी उठ गया होगा शायद। Few inches later. हमने अपना सूट कंप्लीट कर लिया और इसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके आ गए नीचे, और मेकअप भी नहीं धोया, अभी धोएंगे मेकअप। और क्रियांश उठ गया, क्रियांश क्रियांश कुछ नहीं, अब जाएगा बल्ब को स्विच ऑन ऑफ करेगा वो। क्रियांश ए डायपर डायपर बॉय इधर आ, बाल देखो, बाल धो के हेयर वॉश करके क्रियांश सोया था आज। क्रियांश कुछ नहीं आएगा, अभी सो के उठाए ना तो वो अपने धुन में रहता है थोड़ी देर, जब वो फिर फुल एक्टिव हो जाएगा, उसकी नींद अच्छे से टूट जाएगी, तब इसकी बदमाशी देखिएगा। ये देखिए कैसे देख रहा है इसे। और उसके अलावा जी हमारी आ रही है एनिवर्सरी नजदीक, तो एनिवर्सरी हाँ। को लेकर के भी जो हम लोगों को तैयारी करना है, होटल सब देखना है, और इस बार घर में नहीं कर रहे हैं, होटल में ही करेंगे, और सारे लोगों को जो है, और इस बार की पार्टी बहुत ग्रैंड वाली होने वाली बिल्कुल है। तो सोच रहे हैं कि हमारा 5वां एनिवर्सरी है शादी के, 5 साल बूढ़ी हो गए, हंसते खेलते पता ही नहीं चला। बहुत टाइम से बोल रहे थे कि जिया किसी, हम लोग कभी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया एनिवर्सरी, नहीं इस बार हमने सोचा है जी कि इस बार हम अच्छे से करें, और 5वां है, और फिर अगला एनिवर्सरी इसी तरह धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे जब हमारा शादी का 10वां साल हो जाएगा, तो उस समय करेंगे। तो इसलिए इस बार आगे की बात नहीं बताते क्या करना है नहीं करना है, अभी की बात बता रही हूँ कि इस बार का जो हमने सोचा है ना बहुत ग्रैंड लेवल पे करने वाले हैं, और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जैसा सोचा है, जैसा हमने सोचा है भगवान वैसा ही सफल कर दे, और जितना सब कुछ सोचा है कि जिन जिन लोगों को बुलाएंगे वो सभी लोग भी आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा। और बाकी और इस बार की पार्टी में ना आपको बहुत अलग अलग जो कभी नहीं आया वो सभी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और हम लोगों का एक तरह से कह सकते हैं जी कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ करेंगे, तो लेकिन अब फाइनली वह होने जा रहा है, तो सपने में नहीं सोचे तो आप जरूर थे, सोचे थे ये लेकिन इनको ये लग रहा था कि वैसा कर पाएंगे। ये देखो मेरा कपड़ा सब उठा उठा के साड़ी सब लेके आ रहा है, नहीं पहनना ये कह रहा है, पहनो और चलो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब क्रियांश उठ गया, ये सोचे थे बहुत पहले, मुझे लगता है 2 साल पहले ही सोचे थे कि जब हमारा 5th एनिवर्सरी आएगा ना तो हम उसको बहुत ग्रैंड लेवल पे करेंगे। लेकिन हुआ क्या जी, हमने क्रियांश के बर्थडे पर ही अच्छा खासा खर्चा कर दिया, तो उसके बाद सोचा कि अब अपना नहीं करेंगे, अब उतना बजट नहीं है,
लेकिन फिर हमने सोचा कि यार पांचवा एनिवर्सरी है, फिर कब आएगा ये सब चीज़। तो छोड़ो, जैसे होगा मैनेज, जैसे होगा मैनेज करके हम लोग करते हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे झुक के बोलना पड़ रहा है। तो हम झुके हुए हैं तो तुमको भी झुकना ही पड़ेगा, पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं जी, अब इस पे ऐसा करते हैं, इसको लेकर के अब चलते हैं।